हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैंने पिछले लेक्चर में कंपैरेटिव एडवांटेज का गेन्स फ्रॉम ट्रेड दिखाया था, कैसे गेन्स होता है, कैलकुलेट किया था, और हमने देखा था कब US रेडी होगा ट्रेड करने के लिए, कब इंडिफरेंट होगा, कब UK इंडिफरेंट होगा, वो हमने देखा था। अगर किसी ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर हम ये समझेंगे अभी कि केस ऑफ नो कंपैरेटिव एडवांटेज कब होता है। ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबको कि अगर आपको समझ में आ रहा है सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे आपके लाइक से ही पता चलेगा कि यस, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए कि ताकि जैसे जैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं कब नो कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। कि हमने पहले स्टार्टिंग में क्या देखा, कि हमने देखा एब्सोल्यूट एडवांटेज जब होता है कंट्रीज़ के बीच में तब भी वो ट्रेड कर सकते हैं। देन हमने देखा अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है किसी कंट्री, कोई एक कंट्री है जिसको दोनों कमोडिटीज़ में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, तब उस सिचुएशन में ट्रेड होना बेनिफिशियल होगा। जी हाँ, कंपैरेटिव एडवांटेज में हमने वही देखा कि उस सिचुएशन में भी ट्रेड होना बेनिफिशियल होगा। लेकिन ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे वो भी कंपैरेटिव एडवांटेज भी ना हो। सो वहाँ उसके लिए हम एक एग्जांपल भी यहाँ पे देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि नो कंपैरेटिव एडवांटेज कब होता है। कि एब्सोल्यूट भी नहीं होगा, कंपैरेटिव एडवांटेज भी नहीं होगा, तो बेनिफिशियल ट्रेड भी नहीं हो पाएगा। सो उस सिचुएशन में ट्रेड भी नहीं करेंगे। देर इज़ वन नॉट वेरी कॉमन केस वेयर देर इज़ नो कंपैरेटिव एडवांटेज। ऐसा भी एक सिचुएशन होता है जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं होता, बट वो बहुत रेयर है। दिस अकर्स व्हेन एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज दैट वन नेशन हैज़ विथ रिस्पेक्ट टू अनदर नेशन इज़ द सेम इन बोथ द कमोडिटीज़। मतलब जो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है वो दोनों कंट्रीज़ का सेम कमोडिटी में हो। अगर मैं ये वाला एग्जांपल वापस से लूँ जो हमने कंपैरेटिव एडवांटेज में लिया था, हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे US का कंपैरेटिव एडवांटेज वीट में है क्योंकि वो 1 घंटे में कंपैरेटिवली क्लोथ से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है। UK का एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज किस में कम है, वो क्लॉथ में कम है क्योंकि वो कंपैरेटिवली वीट से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है। भले ही UK का डिसएडवांटेज दोनों कमोडिटीज़ में US के कंपैरिजन में हो, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज इसमें कम है। तो यहाँ पे ये वीट प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे ये क्लोथ प्रोड्यूस करेगा। बट ऐसा सिचुएशन आ जाए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 एंड 4 यानी वीट एंड क्लोथ, एंड यहाँ पे लिखूँ 2 एंड 1, तो इसका मतलब है कि UK का डिसएडवांटेज कम, मतलब एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम किस में है, वीट में है, वेर एज़ US का भी वीट में है। तो अब इस सिचुएशन में तो ट्रेड हो नहीं सकता बिकॉज़ दोनों कंट्रीज़ एक ही कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ट्रेड क्या करेंगे, राइट? तो इस सिचुएशन में कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं हो सकता, ना ही ट्रेड हो सकता है। तो यही एक एग्जांपल है। आगे हम रीड करते हैं। सो इस दोनों कंट्रीज़ का एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज एक ही कमोडिटी में है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वन आर प्रोड्यूस 3 वीट इंस्टेड ऑफ 1 वीट इन UK, तो हमने जो एग्जाम्पल देखा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वीट एंड क्लॉथ, ये हो गया US, ये UK, अगर 6 4 था एंड ये 2 था एंड ये 1 था, इंस्टेड ऑफ दिस 1 अगर मैं 3 लिख दूँ, तो अब UK का एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम वीट में है एंड इनका भी US का भी कंपैरेटिव एडवांटेज वीट में है। फॉर एग्जांपल, इफ़ 1 आर प्रोड्यूस 3 वीट इंस्टेड ऑफ 1 वीट इन UK, द UK वुड बी एग्जैक्टली हाफ एज प्रोडक्टिव एज US इन बोथ वीट एंड क्लॉथ। दोनों में अगर आप देखो, US 6 प्रोड्यूस कर पा रहा है 1 में,
1 आवर में देन यूके 3 प्रोड्यूस कर पा रहा है, 3 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है वीट का 1 आवर में, तो एग्जैक्टली हाफ प्रोड्यूस कर पा रहा है. वेर एज क्लॉथ में भी एग्जैक्टली हाफ प्रोड्यूस कर पा रहा है. द यूके वुड देन हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इज नीदर कमोडिटी एंड नो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड कुड टेक प्लेस. तो इस सिचुएशन में म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड होना इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज गेन्स फिर होगा ही नहीं, दोनों एक ही चीज़ प्रोड्यूस करेंगे. द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट US विल ट्रेड ओनली इफ इट कैन एक्सचेंज 6 वीट फॉर मोर देन 4 क्लॉथ. अब देखें अगर US कब रेडी होगा ट्रेड करने के लिए, अगर उसको US को 6 वीट के जगह पर 4 से ज़्यादा क्लॉथ इम्पोर्ट करने के लिए मिल रहा है, राइट? अगर वो 4 ही क्लॉथ मिल रहा है तो वो खुद ही घर पे क्यों ना प्रोड्यूस करे. उसको 4 से ज़्यादा क्लॉथ अगर इम्पोर्ट करने मिल रहा है देन वो ट्रेड करेगा. हाउएवर नाउ यूके इज़ नॉट विलिंग टू गिव अप मोर देन 4 क्लॉथ टू ऑब्टेन 6 वीट. लेकिन यूके अगर देखें, अगर वही 6 वीट US एक्सपोर्ट कर रहा है यूके को, मतलब 6 वीट यूके इम्पोर्ट करेगा. यूके अगर 6 वीट इम्पोर्ट कर रहा है वो 2 घंटे में बना पाएगा, राइट? अगर हम ये इलस्ट्रेशन इस तरीके से करें, US यूके और टार्की में ये वीट है, ये क्लॉथ है, ये वीट है, ये क्लॉथ है. 0 वीट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉथ 4 प्रोड्यूस कर रहा है. 6 वीट इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोड्यूस कर रहा है, -6 देगा एंड देयर इज लेफ्ट नथिंग एंड 4 से ज़्यादा, वो हम देखेंगे. अब अगर वही 6 यूनिट्स वीट यूके प्रोड्यूस कर रहा है 1 आवर में, गिवन आवर्स में जो भी आवर्स है, तो इट विल रिक्वायर 2 आवर्स टू प्रोड्यूस दिस 6 यूनिट्स बिकॉज वो 1 घंटे में 3 यूनिट्स बना पा रहा है वीट का, तो उसे 2 घंटा लगेगा 6 यूनिट्स बनाने के लिए. तो वही अगर वो स्पेशलाइज कर रहा है क्लॉथ में तो वो 4 यूनिट्स बना पाएगा क्योंकि वो 1 घंटे में 2 यूनिट्स बना पा रहा है, तो 2 आवर्स में वो 4 यूनिट्स बना पाएगा. अगर हम बोलें कि US, हमने क्या बोला, US रेडी नहीं होगा अगर उसको सिर्फ 4 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ ही मिले, उसको 5 चाहिए रहेगा या 6 चाहिए रहेगा, 4 से ज़्यादा चाहिए रहेगा. लेकिन क्वेश्चन बड़ा यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर 6 यूनिट ये इम्पोर्ट कर रहा है, चलो ठीक है, यूके 6 यूनिट्स इम्पोर्ट करेगा, लेकिन ये 4 से ज़्यादा क्यों देगा, ये 5 यूनिट्स क्यों एक्सपोर्ट करेगा एक्सचेंज में? इसको भी तो सेम ही प्रोपोर्शन मिल रहा है. अगर वो घर पे प्रोड्यूस करता तो उसको 4 यूनिट्स आराम से मिल जाता, वो क्यों 1 मोर यूनिट गिव अप करेगा? सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे बेनिफिशियल ट्रेड होना मुमकिन नहीं है. सो हाउएवर नाउ द यूके इज़ नॉट विलिंग टू गिव अप मोर देन 4C टू ऑब्टेन 6 वीट. तो अभी वो 4 से ज़्यादा क्लॉथ देने के लिए रेडी नहीं है 6 यूनिट्स ऑफ वीट के लिए फ्रॉम US बिकॉज यूके कैन प्रोड्यूस ईदर 6 वीट और 4 क्लॉथ फॉर 2 आवर्स डोमेस्टिकली. तो वो खुद घर पे वो 2 घंटा यूज़ करके प्रोड्यूस कर पा रहा है. अंडर दीज सर्कमस्टांसिस नो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड कैन टेक प्लेस. तो इस सिचुएशन में म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड होना हो ही नहीं सकता. दिस रिक्वायर्स स्लाइटली मॉडिफाइंग द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज टू रीज एज फॉलो. तो अब इस सिचुएशन में हमें कंपैरेटिव एडवांटेज का जो स्टेटमेंट हमने पहले देखा था वो उसको थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा कि हमें उसमें एक और सेंटेंस ऐड करना पड़ेगा कि तभी हो सकता है जब ऐसा हो. वो हम रीड करेंगे क्या हो. इवन इफ़ वन नेशन हैज़ एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज विथ रिस्पेक्ट टू द अदर नेशन इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज देयर इज स्टिल अ बेसिस फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड अनलेस. नाउ रिमेंबर ट्रेड तक, यहाँ तक तो हमारा पहला जैसे हमने कंपैरेटिव एडवांटेज का एक्सप्लेनेशन समझा था उस उधर भी ये स्टेटमेंट सेम था कि एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है किसी एक नेशन का दोनों कमोडिटीज़ में कंपेयर टू अदर नेशन, फिर भी म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड होगा. अगर किसी ने वो नहीं देखा है सो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी कंपैरेटिव एडवांटेज का एक्सप्लेनेशन, वो देख लीजिए. इलस्ट्रेशंस नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन भी है, वो भी देख लीजिए, देन ये आके समझना तो आपको समझ में आएगा. अनलेस
द एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज दैट वन नेशन हैज़ विथ रिस्पेक्ट टू अदर नेशन इज़ इन सेम प्रपोर्शन फॉर द टू कमोडिटीज अनलेस. इसका मतलब क्या है? अनलेस, अगर, तब तक ही बेनिफिशियल होगा जब तक कि एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज अगर सेम प्रपोर्शन होगा टू कमोडिटीज़ में, सेम प्रपोर्शन मतलब अभी वाला एग्जांपल, तो फिर बेनिफिशियल ट्रेड नहीं होगा. अनलेस का मतलब यही होता है, अनलेस एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज़ इन सेम प्रपोर्शन फॉर द टू कमोडिटीज. स्टेटमेंट इस तरीके से फ्रेम है कि मैं अगर एक एग्जांपल लिखूं, आई विल गो टू स्कूल, मैं सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, या कॉलेज, अनलेस आई एम इल. तो इसका मतलब क्या है? मैं स्कूल जाऊंगी, मैं स्कूल या कॉलेज जाऊंगी ही जाऊंगी, अगर मैं इल हूँ तो नहीं जाऊंगी. सो अनलेस का मतलब यही होता है कि अगर मुझे कुछ हुआ या इल हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी. तो यहाँ पे भी उसका मतलब यही है कि देयर विल बी बेनिफिशियल ट्रेड अगर दोनों एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है दोनों कमोडिटीज़ में, अनलेस एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज सेम प्रपोर्शन है टू कमोडिटीज़ में, जो कि अभी वाला एग्जाम्पल था. ऑल दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दिस केस सेकेंड Although it is important to note this case, its occurrence is rare and matter of coincidence. So the applicability of law of comparative advantage is not greatly affected. ये होने का chances बहुत कम है कि ऐसा हो. तो इसके लिए इसका occurrence is rare और होगा भी तो वो coincidence होगा. Furthermore, natural trade barriers such as transport costs can preclude ट्रेड इवन वेन सम कंपैरेटिव एडवांटेज एग्जिस्ट. तो एक और चीज़ आ जाती है, हमने बिगनिंग में ही अजम्पशंस देखे थे जो कि होते हैं थोड़े बहुत अजम्पशंस देखे थे, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बैरियर्स नहीं है, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है. लेकिन अगर उन अजम्पशंस को रिलैक्स करें तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो भी एक हिंड्रेंस बन जाता है. कंपैरेटिव एडवांटेज भले ही होगा फिर भी ट्रेड होने का चांसेस कम है, ऐसा हो जाता है. तो वो बैरियर्स जब आ जाती है वो एक हिंड्रेंस क्रिएट करती है. एट दिस पॉइंट हाउएवर वी अज्यूम दैट नो सच नेचुरल और आर्टिफिशियल बैरियर एग्जिस्ट. तो ऐसा कोई नेचुरल बैरियर क्या है? आपका ट्रांसपोर्टेशन, वो नेचुरल ही होता है ना, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्चा करना पड़ेगा ही. अगर आप US से UK कोई कमोडिटी लेके जा रहे हो तो ट्रांसपोर्ट भी तो करेगा, फ्री में थोड़ी कोई आपके लिए एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी होगा. आर्टिफिशियल बैरियर्स कौन से होते हैं? एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, जो ह्यूमन मैन मेड जो होते हैं वो. तो ये सारे हमने रिलैक्स कर दिए हैं, हम इनको क्या बोल रहे हैं, इनको अज्यूम कर रहे हैं कि वो नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते. नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपैरेटिव एडवांटेज विथ मनी एक्सप्लेन करूँगी. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए आप कंपैरेटिव एडवांटेज को अच्छे से समझ लो. तो आई वुड रिक्वायर कि अगर आपको एक दो बार और आप वीडियो देखो तो आपको अच्छे से कंपैरेटिव एडवांटेज समझ में आए. क्योंकि अगर आपको कंपैरेटिव एडवांटेज वो वाला जो एक्सप्लेन अब तक मैंने किया है, यानी लॉ ऑफ एक्सप्लेनेशन टू कंपैरेटिव एडवांटेज, फिर उसका इलस्ट्रेशन एंड नो कंपैरेटिव एडवांटेज वाला सिचुएशन, इवन द गेन्स फ्रॉम ट्रेड जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया, अगर आपको ये चार चीज़ें नहीं समझ में आई है तो आगे जितना भी मैं करवाऊंगी, विथ मनी है, विथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हैबलर का, वो सब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. ऑफर कर्व्स के साथ भी हम करेंगे, वो भी आपको इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा. सो बेटर इज़ आप प्लीज़ वो वीडियोस दो तीन बार देख लो, आपको अच्छे से जब माइंड में सेट हो जाए तब आप आगे वाले वीडियोज़ को देखना. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए. थैंक यू.